तो यार तुम्हारा स्वागत है फिर से माइनक्राफ्ट के एक और एपिसोड में। पिछली बार हमने अपना घर कंप्लीट नहीं करा था, इस बार मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आज हम कंप्लीट कर दे ये घर, क्योंकि हमारे पास रिसोर्सेज भी है। तो यार कल मैंने ऑफ स्ट्रीम माइनिंग की थी, ठीक है, और मेरे को बहुत सारे रिसोर्सेज मिले उससे। पहले सैल्मन भाई को खा लेते हैं क्योंकि हमारे पास बिल्कुल भी हेल्थ नहीं है। तो यार मैं दिखा देता हूँ मेरी चेस्ट में क्या क्या है जो मेरे को कल मिला। कॉबल स्टोन मेरे को चाहिए थे क्योंकि हमने बाहर की तरफ से इसको कवर करना था। तो यार फटाफट से ऊपर चलते हैं और जितना इनकम्प्लीट काम था हमारा जो था वॉलिंग वो कम्प्लीट करते हैं। तो यार मेरे पास 3 स्टैग है कॉबल स्टोन के और एक 16 का स्टैग है, मेरे को लगता है अब हो जाएगा ऊपर से। तो मेरे को ज़्यादा कॉबल स्टोन नहीं लगेगा यहाँ पर, जितने हैं मेरे पास उतने से काम चल जाएगा। पर मेरे को अभी भी ऐसा लग रहा है कि आज भी कंप्लीट नहीं होगा मेरा घर, लेकिन हमें पॉजिटिव रहना है, फुल पॉजिटिव, ठीक है, हमें कंप्लीट करना है तो करना है भाई आज। तो यार ये तो हो चुका है डन, हमको यहाँ पर भी एक वुडन का फ्लोर लगाना है। तो यार ये देखो ये कुछ ऐसा लग रहा है, ऊपर से हो चुका है, इस वॉल को निकाल देते हैं यहाँ से। तो यार अब मैं इसको पीछे की तरफ से भी कवर कर दूंगा। हम यहाँ पर ग्लास नहीं लगाए गए, ठीक है, क्योंकि ज़्यादा ग्लास अच्छा नहीं लगेगा। तो यार पीछे से तो हो चुका है, अब मेरे को यहाँ पर एक पार्टीशन निकालना है। ये 7 ब्लॉक्स है, थोड़े से ना बीच में यहाँ से निकाल देते हैं। तो यार अब मेरे 2 फ्लोर बन चुके हैं, अब मैं यहाँ पर स्टेयर्स निकाल देता हूँ। तो यार मेरे को अपनी तिजोरी से स्टेयर्स लेके आने पड़ेंगे। तो यार जब मैं यहाँ से तेज भागता हूँ ना मेरे को डैमेज भी हो जाता है बहुत बार। यहाँ से ले लेते हैं स्टेयर्स ले चलते हैं, यहाँ लगा देते हैं, कर देते हैं। तो मेरे को इसको ना पूरी एक्यूरेसी के साथ लगाने पड़ेंगे, ऊपर नीचे नहीं होनी चाहिए। यहाँ से एक यहाँ बस, अरे ऊपर क्यों नहीं जा पा रहा, इसको तोड़ देता हूँ यहाँ से। ये देखो 2 फ्लोर बन गए अपनी। तो यार अब मेरे को चाहिए सैंड क्योंकि मुझे क्लासेस बनाने हैं बाहर की साइड के लिए, और मेरे पास शायद से इन्वेंट्री में पड़े हैं। हाँ यहाँ पर इन्वेंट्री नहीं, चेस्ट में पड़े हैं। तो अपने को इसको यहाँ प्लेस कर देना है और ये स्टार्ट हो जाएगा, यहाँ पर ग्लास बन जाएगा। सो जाते हैं थोड़ी देर क्योंकि रात हो चुकी है, और रात को ना जब मैं क्राफ्ट करता हूँ तो तुम्हें इतने अच्छे से दिखेगा नहीं। तो यार मेरे को कोल चाहिए क्योंकि मुझे मेल्ट करना है सैंड को ग्लास बनाने के लिए। और जो ये माइन है ये मैंने कल ऑफ स्ट्रीम माइनिंग की थी इसकी, तो मैं फटाफट से ना जितना कुछ है निकाल देता हूँ। देखो यहाँ पर मेरे को ना बहुत कुछ मिल चुका है, 27 ज़्यादा तो नहीं है बट यार कम भी नहीं है, लेकिन इतने से हो जाएगा शायद से, देखते हैं। ऊपर से करता हूँ स्टार्ट लगाना, यहाँ से देखो कितना अच्छा लग रहा है ना अपना पूरा फार्म वगैरह, अभी तो फार्म ही है ये देखो। तो अब जो अपना वुडन वाला पार्ट है वहाँ पर भी ग्लासेस लगा देते हैं, यहाँ से स्टार्ट कर लेते हैं। तो यार नीचे की साइड से पूरा हो चुका है, अब अपने को ऊपर जाना पड़ेगा थोड़ा सा, और अब ग्लासेस यहाँ पर लगा देते हैं बाहर की तरफ। यहाँ पर मैं चारों तरफ ग्लास लगा दूंगा। अपने पास ग्लासेस खत्म हो गए हैं, मेरे को नीचे जाना पड़ेगा फिर से। तो यार मैं नीचे जाके सबसे पहले सो जाता हूँ, बाकी कल देखेंगे। तो यार अपने पास अब कोल भी है लेकिन सैंड नहीं है ग्लास बनाने के लिए। हम आगे की तरफ मैंने सैंड देखा था, यहाँ से हम सैंड ले लेते हैं थोड़ा सा, और ऊपर चल के ना जितना भी इनकम्प्लीट है वो कम्प्लीट कर देते हैं।
तो यार अपने को एक और फनीज क्राफ्ट करना पड़ेगा क्योंकि अपना बिजनेस बड़ा हो रहा है, ठीक है। तो सब्सक्राइब करो अगर और बड़ा देखना चाहते हो इस बिजनेस को। तो इसमें डाल देते हैं सैंड, यहाँ से थोड़ा सा कोल ले लेता हूँ यहाँ पर, और ये देखो स्टार्ट हो चुका है। मेरे को वुड भी चाहिए क्योंकि मेरे को सेकंड फ्लोर के लिए थोड़ी सी फ्लोरिंग करनी है। तो यार अपने पिछले वाले घर में ना छत नहीं थी, इस वाले घर में छत भी है और ये बहुत अच्छा बनेगा, ठीक है। मेरे को लगता नहीं इस वाले पार्ट में भी बनेगा, लेकिन अच्छा बनेगा, जब भी बनेगा अच्छा बनेगा। तो यार मैं इस आयरन के आयरन नगेट्स बना लेता हूँ, बाद में काम आएगा ये। अपने ग्लास भी रेडी हो चुके हैं पूरे लगाने के लिए, एकदम टिंटेड ग्लासेस, काले शीशे। तो यार अपना बंदा कितना स्लो चल रहा है ना, थोड़े से सैल्मन फिशेस को मारना पड़ेगा, हंटर हंटर बनना पड़ेगा अपने को। एक शॉट में मर जाती है क्या? नहीं, दो शॉट में, एक शॉट में वो वाली तो एक में भी नहीं मरी। अपने को ना काफ़ी चाहिए, दो तीन तो कम से कम चाहिए ही चाहिए। ये भी दो शॉट में, एक शॉट, शायद से मन मर्जी का काम है भाई। तो अपने को यहाँ पर भी ग्लासेस लगाने हैं, यहाँ से पूरा हो जाएगा क्या? डंक, यहाँ से भी हम डंक मार सकते हैं क्या? यहाँ से नहीं होगा शायद से, अपने को ऊपर जाना ही पड़ेगा। ये देखो ग्लासेस हो चुके हैं फुल, अब अपने को सेकंड फ्लोर के लिए ना फ्लोरिंग करनी पड़ेगी फिर से यहाँ पर। तो यार जैसे मैंने परे की तरफ कर रखा है ना स्टेयर्स वाला सिस्टम, मेरे को यहाँ भी कर देता हूँ मैं। मैं इस बार वुडन स्टेयर्स करूँगा क्योंकि अपना वुडन वाला सेक्शन है ना ये वाला, तो इसलिए वुडन करूँगा। अब मेरे पास वुडन है नहीं, मैं नीचे जाता हूँ और वुडन क्राफ्ट करता हूँ। वुडन नहीं, वुडन स्टेयर्स क्राफ्ट करते हैं। तो यार मेरे को लगता है मैंने ज़रूरत से ज़्यादा ही क्राफ्ट कर दी है स्टेयर्स, कोई बात नहीं, बाद में काम आ जाएगी किसी चीज़ के लिए। यहाँ से लगाते हैं, जैसे हमने परे की तरफ लगा रखा है ना, बस वैसे ही लगाए गए। तो यार अपने पास एक्स नहीं है तो इसी से करना पड़ेगा यार ये। तो यार ये देखो स्टेयर्स बन चुकी है ऊपर के लिए भी। अब अपने को ना पूरे घर में लालटेन्स लगाना है, मेरे पास टॉर्चेस भी है, आयरन नगेट मैंने क्राफ्ट कर दिए थे, अब हम ना लालटेन्स बना देंगे जितने से ज़्यादा हो सके उतने, ठीक है। क्योंकि अपने को ना पूरा घर कवर करना है और टॉर्चेस के साथ यार इतना अच्छा नहीं लगता है, तुम्हें भी पता है। सैल्मन फिश खा लेते थोड़ी सी। अब मेरे को ऊपर जाके पहले सारी टॉर्चेस रिमूव कर देता हूँ मैं, ठीक है, और जितने भी मेरे पास लालटेन्स है वो लगा देता हूँ, इससे ना और अट्रैक्टिव लगेगा अपना घर। तो यार घर में तो लालटेन लगा दिया है, लेकिन जो हमारा स्टेयर्स वाला सेक्शन है यहाँ पर टॉर्चेस लगाए गए और वही अच्छा लगेगा यहाँ पर, और जितने भी आसपास की एरिया है वहाँ पर ना मॉब्स भी स्पॉन नहीं हो गए। और ये आवाज़ कहाँ से आ रही है? शायद से केव से आ रही है ये, ठीक है, हम बाद में देखते हैं उसको। यहाँ पर ना पहले टॉर्चेस लगा देते हैं, नीचे तक लगाऊंगा मैं टॉर्चेस फुल। यहाँ से अपने को लॉन्ग जंप करनी पड़ेगी, तो पीछे से ना स्टार्ट लेते हैं यहाँ से। इस तरफ तो हो गया, अब उस तरफ चलते। अरे ये टॉर्च कैसे नहीं बुझी, अपने हाथ में टॉर्च थी तब भी नहीं बुझी। अब यहाँ से करते हैं, यहाँ तक आ रही है आवाज़ मॉब की, कोई बात नहीं, हमको ना केव बंद करना पड़ेगा या तो लाइट्स लगानी पड़ेगी, टॉर्चेस लगानी पड़ेगी नीचे हमें। तो यार तुम्हें ऊपर से दिखा देता हूँ कैसा लग रहा है, देखो पूरा एक नंबर। अब ना यहाँ पर ना इस साइड अपने को एक दरवाज़ा बनाना है जो इन दोनों रूम्स को कनेक्ट कर सके। पहले ना यहाँ पर ग्लास लगा लेते हैं, यहाँ पर हम कॉबल स्टोन ही लगाएंगे, ग्लास ही लगाएंगे, पहले मैं सोच रहा था लगाने की,
बट ये ही अच्छा लग रहा है, इसको नहीं यहाँ से तोड़ देते हैं। हाँ इतने में आ जाएगा डोर, जो दो डोर वाले दरवाजे होते हैं ना वो वाले लगाएंगे हम यहाँ पर। नीचे जाते हैं और क्राफ्ट कर लेते हैं उन्हें। ये देखो ये नीचे से आ रहे हैं, यहाँ से ना हम कवर कर देते हैं इसको। तो यार सबसे पहले नीचे जाके ना उसको कवर कर देता हूँ, नहीं तो बार बार कोई ना कोई तो आता रहेगा इस होल से। तो यार सबसे पहले कुछ खा लेता हूँ क्योंकि अपने पास बिल्कुल भी हेल्थ नहीं है और अपना हंगर का बार भी डिक्रीज होता रह रहा है बार बार। तो यार अब ऊपर चलते हैं और जितना इनकम्प्लीट है ना वो कंप्लीट करते हैं। और मेरे को पता नहीं है मैंने आयरन अपने हाथ में क्यों लिया है। तो यार अब मेरे को यहाँ से बिल्कुल कवर कर देना है इसको आगे की तरफ से, क्योंकि हम यहाँ पर डोर लगाएंगे। लेकिन जो यहाँ पर डोर होगा ना वो वुडन होगा, लेकिन जो अंदर की तरफ होगा वो आयरन का होगा और ऊपर की तरफ भी आयरन का होगा। ऊपर की तरफ भी अभी हम पार्टीशन करेंगे और ऊपर की तरफ भी हम आयरन का लगाएंगे, सिर्फ एक वुडन का लगाएंगे जो आगे की तरफ होगा। मैं बना देता हूँ, लेकिन अभी ऐसा सीन है अभी हमारे पास इतना आयरन नहीं है तो अभी वुडन ही लगा देता हूँ मैं, ठीक है। और आज तो नहीं हो पाएगा ये घर कंप्लीट, हो जाएगा लेकिन वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी यार, और लंबी वीडियो को देखता नहीं है और मुझे वैसे ही पता है तुम देखते नहीं हो। पर कोई बात नहीं, अपना काम है देखो क्रिएट करना और हम क्रिएट कर रहे हैं। अब वो आपके ऊपर आपको अच्छा लगता है कि नहीं, ठीक है। अगर अच्छा लगता है तो लाइक कर दिया करो, सब्सक्राइब कर दिया करो, अगर अच्छा नहीं लगता है तो ना देखा करो यार, कोई बात नहीं, इट्स नॉट अ बिग इशू। तो यार अब मैं ऊपर की तरफ पार्टीशन कर देता हूँ, मैंने डोर्स तो बना दिए है, उसी टाइम लगा दूंगा डोर्स भी, यहाँ पर भी लगाने हैं, ठीक है। अब हमने इस तरफ से ना एक ही दरवाज़ा बनाएंगे, ठीक है, क्योंकि अगर हम दो दो लगाएंगे वो अच्छा नहीं लगेगा, तो हम एक ही लगाएंगे। यहाँ पर थोड़े से लालटेन लगा लेते हैं क्योंकि यहाँ से ना थोड़ा सा डार्क सा हो रहा है। तो यार अब मैं ऊपर वाले फ्लोर में आ गया हूँ, मेरे को ना यहाँ से ना एक ही दरवाज़ा बनाना है, ठीक है। बाद में हम मेटल का बनाएंगे, अभी हमारे पास वुड है तो वुडन ही लगा देते हैं यहाँ पर। तो यार ये भी ठीक ठाक ही लग रहा है, ज़्यादा अच्छा नहीं लग रहा है, ठीक है, कोई बात नहीं, बाद में हम इसे मॉडिफाई कर देंगे। अब ना यहाँ पर सबसे पहले एक क्राफ्टिंग टेबल लगा देते हैं। तो यार मैं पता क्या सोच रहा था, मैं ऑफ स्ट्रीम थोड़ी सी माइनिंग और थोड़ा सा ना एनिमल्स को मार के वुलन ला के कारपेट लगाऊंगा इसमें, वो ज़्यादा अच्छा लगेगा। पेंटिंग्स भी लगाऊंगा यहाँ पर ऊपर नीचे हर जगह। अभी मैं चेस्ट लगा देता हूँ, ठीक है, क्योंकि नीचे भी बहुत सामान है और जितना भी अपनी इन्वेंट्री में सामान है वो उसमें रख देता हूँ मैं, क्योंकि बाद में भी बहुत सामान आने वाला है मेरी जो दूसरी चेस्ट है। तो यार मैं तुम्हें नीचे जाके ना थोड़ा सा प्लान बताता हूँ अपना, मैंने क्या क्या सोच रखा है। मैं सोच रहा हूँ कि जो ये पूरा एरिया है ना ये प्लेन वाला, यहाँ पर मैं फार्म्स बनाऊँ अपने, ठीक है, ज़्यादा बड़े तो नहीं, ठीक ठाक। और जो ये पानी का एरिया है यहाँ पर भी कुछ बनाऊँ। अपना घर तो देखो पूरा तैयार हो गया है, ठीक है, बस थोड़ा सा बचा है, अगली वीडियो में बिल्कुल रेडी हो जाएगा ये। तो यार अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, मैं मिलता हूँ आपको अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।